ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड टिल द ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन, क्लियर? ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन का हमने क्लाइमेट की बात की और वहां का वेजिटेशन कर लिया था, क्लियर? द नेक्स्ट वन इज वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। ये ट्रॉपिकल रीजन मैंने बात की अप टू 30 डिग्री लेटिट्यूड तक मैंने बात की थी। जब टेम्परेट रीजन की बात करें तो टेम्परेट रीजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज वार्म टेम्परेट एंड कूल टेम्परेट, क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वार्म वेस्टर्न या वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, क्लियर है? तो जब हम यहां समर्स की बात करते हैं तो समर्स कैसे होंगे? वार्म होंगे एंड विंटर्स कूल होंगे। विंटर्स बढ़िया कूल होते हैं, समर्स वार्म होते हैं। बट इस रीजन की एक खासियत होती है, क्या होता है? समर्स जो होते हैं मेनली फॉर 8 months होंगे एंड विंटर्स फॉर 4 months। सो द समर्स आर डोमिनेटिंग। समर्स क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं। अगर विंड्स की बात करूं, तो यहां पे क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होगी। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में जब गर्मियां आती तो क्या हो जाता है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है द हाई प्रेशर बेल्ट शिफ्ट्स, याद है ना? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट होने की वजह से यहां पे जो समर्स में होता है ड्यू टू शिफ्ट इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट समर्स फील ईस्टर्ली। समर्स में क्या आएंगी? ईस्टर्लीज आती हैं। बट ईस्टर्लीज जब ईस्ट से चली हैं तो वेस्ट पे पहुंचेंगी? ईस्ट पे पहुंचेंगी तो अपने साथ कुछ मॉइस्चर ले जा पाती हैं? नहीं भाई, ये मैंने आपको बताया था, यहां से आपकी ईस्टर्ली चली, यहां से चली तो वेस्टर्न मार्जिन पहुंचेगी तो अपने साथ कितना मॉइस्चर पहुंचेगा? कुछ भी नहीं, लगभग ना के बराबर। नहीं, ईस्टर्लीज अपने साथ कोई भी मार क्या ले नहीं ले जा पाती हैं, मॉइस्चर वेस्टर्न पॉइंट तक नहीं ले जा पाएंगी। भाई जैसे वो आगे बढ़ी उनको क्या मिला? ईस्टर्न मार्जिन मिलेगा, देन कॉन्टिनेंटल मार्जिन मिलेगा, देन वेस्टर्न मार्जिन मिलेगा। तो सबसे ज्यादा बारिश वो कहां कराएंगी? ईस्टर्न पे। जो बची कुची होती वो कॉन्टिनेंटल पे करा देती है, फिर बचता ही क्या उनके पास? क्लियर? जब उनके पास कुछ बचा नहीं सो समर्स आर ड्राई। अब विंटर्स में टेम्परेचर डाउन होगा तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट क्या होगी? अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। एंड इन विंटर्स द रीजन फील्स वेस्टर्लीज। विंटर्स में क्या होगा? वेस्टर्लीज चलती हैं। वेस्टर्लीज कहां चली हैं? जस्ट ओशियन से तो चल के आई हैं। सो द विंटर्स आर वेट, ऐसे होंगे वेट होंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? समर्स ड्राई होंगे, विंटर्स वेट होंगे, क्लियर? अभी क्या हो रहा? ये जो वेस्टर्लीज तो मॉइस्चर्स ला रही हैं, साथ में यहां पे बनते हैं फ्रंटल साइक्लोन्स। साइक्लोन्स मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, तो फ्रंटल साइक्लोन्स बनते हैं। सो इट दिस रीजन विल ऑल्सो गेट्स द साइक्लोनिक रेन। सो देयर आर साइक्लोनिक रेन्स इन दिस रीजन। ये बात क्लियर है? नॉर्मली तो यहां स्काई क्लियर रहता है, बट जब साइक्लोन्स बनेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लाउडी। नॉर्मली स्काईज आर क्लियर, बट व्हेन देयर इज अ साइक्लोन द क्लाउड्स आर क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी। यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां पे क्या है? रेन तो बहुत कमी हो रही होगी, क्लियर है? रेन तो बहुत कम होती है, क्यों? क्योंकि ईस्टर्लीज आ रही हैं। भाई 8 महीने गर्मी रही, गर्मी रही तो ईस्टर्लीज चली, ईस्टर्लीज चली तो बारिश पहुंची नहीं वहां तक, क्योंकि पानी था ही नहीं ईस्टर्ली में, तो ड्राई थी। तो यहां पे बारिश की समस्या ज्यादा, यहां बारिश हो नहीं पा रही है, तो क्या हुआ? यहां पे पानी भी कम है। बट इट इज अ टेम्परेट रीजन। क्या रीजन है? टेम्परेट रीजन की वजह से यहां पे मॉइस्चर इनफ रहता है। द मॉइस्चर इज इनफ ड्यू टू टेम्परेट
कंडीशन जस्ट बिकॉज देयर इज लेस कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या है यहाँ पे, बहुत कम होगा. टेम्परेचर है बट तो कन्वेक्शन, टेम्परेचर कम है तो कन्वेक्शन भी कम होगा, तो वेपोरेशन भी कम होगा, तो जमीन में मॉइस्चर ज्यादा रहेगा. क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? इसको नोट करना है. रीजन हैज लेस रेन बट ड्यू टू टेम्परेट कंडीशन देयर इज इनफ मॉइस्चर. कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है. अगर ये मॉइस्चर रहेगा तो मॉइस्चर क्या करेगा, वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प करेगा. ठीक है. अब यहां क्या है, ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है. सो यहां रीजन कैसा है, दिस इज अ मॉडरेट रीजन. रीजन मॉडरेट और वेजिटेशन में कैसा होगा, मॉडरेट ही होगा. मॉडरेट रीजन की क्या खासियत है, यहां पे जो वेजिटेशन की बात करें अब हम, क्लियर? इसको तो नोट करना नहीं, वेजिटेशन की बात कर लेते हैं सीधे सीधे पूरा. वेजिटेशन की बात करें तो यहां जो रूट्स होंगी, रूट्स कैसी होती हैं, डीप बट नॉट सो डीप. डीप होंगी बट नॉट सो मच. बहुत ज्यादा गहरी क्या होती हैं, रूट्स नहीं होती. और क्या करते हैं, स्टोर्स वाटर इन ट्रंक, ट्रंक एंड ब्रांचेस. ठीक है. स्टोर वाटर इन ट्रंक एंड ब्रांचेस. यहां तक कोई समस्या है? ठीक है. और क्या, यहां पे जो लीव्स होंगी, अब भाई पानी तो बहुत ज्यादा है नहीं, पानी जब बहुत ज्यादा नहीं तो लीव्स क्या चाहती है, उनसे पानी निकल जाए, ज्यादा नहीं चाहती हैं, तो लीव्स कैसी होंगी, वैक्सीनेस इन द लीव्स. ठीक है. और लीव्स का साइज भी कैसा होगा, बहुत बड़ा नहीं होता है, क्वाइन लाइक लीव्स, छोटे सिक्के से आकार की लीव्स होती. अभी क्या, इन्होंने ये पानी ट्रंक और ब्रांचेस में स्टोर किया है. ट्रंक और ब्रांचेस में स्टोर करने से क्या हो रहा है, अभी इनको क्या इस पानी को और भी यूज करना है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड यूज करते हैं पानी को स्टोर करने का. दे स्टोर वाटर इन फ्रूट्स. दे स्टोर वाटर इन फ्रूट्स. तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं, इसको जानते हो, लेमन, ग्रेप्स. ग्रेप्स बेसिकली बेल होती है. ठीक है. ऑरेंज है, लेमन है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ये क्या करते हैं, दीज आर हेल्पफुल फॉर स्टोरिंग वाटर इन प्लांट्स. बेल होती है वो. हाँ ठीक, ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है तो ठीक है. और क्या है, अब ये जो आपने फ्रूट्स देखे वो भी कैसे होते हैं, ऑरेंज का छिलका कैसा होता है, मोटा और चिकना होगा, वैक्सी होता है. ठीक है. दीज फ्रूट्स हैव थिक एंड वैक्सी सरफेस या वैक्सी कवरिंग. यहां तक कोई दिक्कत है? एक आपने और सुना है, कॉर्क का नाम सुना, कॉर्क. कॉर्क कहां यूज होता है, कॉर्क वुड, क्रिकेट बॉल, शटल, शटल में यूज होता है, और शैंपेन की बॉटल. ठीक है. ये सब क्या है, कॉर्क यूज होते हैं. जो कॉर्क वुड भी होती है वो भी इसी रीजन में मिलती है. कॉर्क वुड इज फाउंड इन दिस रीजन. ये बात कोई दिक्कत है, कॉर्क वुड इज फाउंड इन दिस रीजन. और ऐसे रीजन्स की बात करें तो रीजन्स आप नोट करिए, रीजन्स है आपके मेडिटेरेनियन रीजन,
जब आप मेडिटेरियन सी देख रहे होंगे उसके जो आसपास का जो रीजन है वो कैसा है, इट इज वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन वाला, जो यहाँ पे वेजिटेशन मिल रहा है वो कहाँ है, मेडिटेरियन सी के आसपास। देन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए, ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए। देन सेंट्रल चिली, सेंट्रल चिली देखोगे साउथ अमेरिका में नीचे है, चिली के पास, पेरू चिली सब दिख रहे होंगे आसपास। तो चिली में जो कंडीशंस है वो क्या है, आइडियल कंडीशंस है, ऐसे जो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन वाला क्लाइमेट है, द चिली हैज आइडियल कंडीशन फॉर सच काइंड ऑफ क्लाइमेट, क्लियर। देन द नेक्स्ट वन इज केप टाउन, केप टाउन सुना है, केप ऑफ गुड होप कहाँ है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो केप टाउन है, वहां भी क्या है आपको ऐसा ही मिलेगा। देन साउथ वेस्ट एंड सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका ये ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट और ये सदर्न पार्ट, ये दोनों पार्ट भी क्या है, साउथ वेस्ट एंड सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन फॉर सच काइंड ऑफ क्लाइमेट या वेजिटेशन, क्लियर। यहां तक किसी को डाउट है, इसी में हम नेक्स्ट रीजन की बात कर रहे थे, तो वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल, ठीक है, कौन सा पार्ट था, वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल। तो जैसे ही कॉन्टिनेंटल पार्ट आता है तो क्या इफेक्ट बढ़ जाता है, दैट गिव्स राइज टू इफेक्ट नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी होगी तो समर्स कैसे होंगे, कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम हॉट, एंड विंटर्स एक्सट्रीम कोल्ड, ये बात समझ में आ रही, एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड। और विंड्स यहां पे कौन कौन सी है भाई, आपको ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाती है, तो बोथ द ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज बोथ विंड्स आर हियर, हम यहां पे दोनों विंड्स हमको मिलती हैं, और दोनों के दोनों विंड्स, अब देखो मैंने क्या कहा था, अपने अपने मार्जिन में ये विंड्स तो ज्यादा कराती रेन, बट सेंट्रल पार्ट में भी थोड़ी थोड़ी सी रेन कराती हैं। बोथ विंड्स ब्रिंग्स मॉइस्चर, बोथ विंड्स ब्रिंग्स मॉइस्चर, ठीक है। अभी क्या गर्मी कैसी हो रही है, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम गर्मी है तो कन्वेक्शन भी होगा, तो क्या होगा, कन्वेक्शनल रेन इन समर, समर में क्या होगा, कन्वेक्शनल रेन इन समर। देन अब यहां पे जो साइक्लोन्स है गर्म कंडीशन, तो साइक्लोन्स क्या होंगे, अराउंड द ईयर रहेंगे भाई, अगर पूरे टाइम टेम्परेचर गर्म है तो लो प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर रहेगा तो साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगी, बनेंगी, जब खूब ठंडा है तो एंटी साइक्लोनिक बनेंगी, ये बात क्लियर। तो यहां पे क्या है, साइक्लोनिक कंडीशंस भी बहुत ज्यादा बनती हैं, सो साइक्लोनिक रेन्स आर ऑल्सो फाउंड। अकर्स हियर, साइक्लोनिक रेन्स आर फाउंड हियर, ठीक है, और कौन सी, फ्रंटल, फ्रंटल साइक्लोन, याद रखिएगा कौन सा है, साइक्लोन फ्रंटल साइक्लोन रेन अकर्स हियर, और कब होगी, अराउंड द ईयर, पूरे साल भर लगभग मिलती है हमको, ये बात याद रहेगी, कोई दिक्कत। अभी क्या है, विंटर्स में कंडीशंस कैसी है, एक्सट्रीम कोल्ड है ना, तो कोल्ड है तो कन्वेक्शन तो होगा नहीं, सिर्फ क्या हो जाएंगे, साइक्लोनिक रेंज तो होंगी, बट इन समर्स दिस रीजन गेट्स बोथ, क्या, कन्वेक्शनल एंड साइक्लोनिक रेन, सो इन समर दिस रीजन हैज मोर रेन, क्लियर, ड्यू टू कन्वेक्शनल एंड
साइक्लोनिक रेन दिस रीजन हैज मोर रेन इन समर्स. क्लियर. दिस रीजन हैज मोर रेन इन समर्स. यहां तक कोई दिक्कत है? और जो विंटर्स में रेन होती है कभी कभी स्नो फॉर्म में होती है. इन विंटर्स द रेन मे बी इन स्नो फॉर्म एंड ओवरऑल जो यहां पर रेन है वो कैसी है? मॉडरेट है. ओवरऑल रेन कैसी है? मॉडरेट है. क्लियर. इसकी वेजिटेशन की बात करें तो यहां पे वेजिटेशन कैसा है? एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है तो ट्रीज का उगना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो यहां पे क्या मिलेंगे हमको? यहां पे हमको मिलती है ग्रासेस. ठीक है. वेजिटेशन में यहां पे क्या मिलेंगे हमको? ग्रासेस. अभी इससे पहले हम एक ग्रासलैंड्स और पढ़ चुके हैं. कौन से? ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल ग्रासेस पढ़ी थी. वो कैसी होती है? वो थोड़ी हार्ड होती है. बट नाउ वी स्टडी अबाउट टेम्परेट ग्रासेस. ये कैसी होती है? सॉफ्टर होती है. अगर ट्रॉपिकल ग्रासेस के कंपैरिजन में बात करें तो कैसी होंगी? सॉफ्टर होती है. ठीक है. यहां पे क्या होंगे? ट्रीज आर मिसिंग. यहां पे पेड़ पौधे आपको बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे. ठीक है. अब ये जो आपका क्या देख रहे हो, ये रीजन देख रहे हो, इसमें ग्रासलैंड्स की बात करें तो दो रीजन पड़ते हैं. एक पड़ता है जहां पे आपको टॉलर ग्रास मिलेगी. टॉलर ग्रास मिलेगी वो रीजन है आपका नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज. कौन सा है? प्रेरीज. और दूसरा रीजन है यूरेशिया में शॉर्टर ग्रास इन यूरेशिया. और उस जगह का नाम, वो कौन सा ग्रासलैंड है? स्टेपीज. दो ग्रासलैंड तो हमने ये सीधे सीधे पढ़ लिया. टॉलर ग्रास वाला प्रेरीज, शॉर्टर ग्रास वाला स्टेपीज. यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया. अब देखो ग्रासेस की बात करूं मैं तो ट्रॉपिकल रीजन की जब मैं बात कर रहा था, ट्रॉपिकल में आपको दो मिलेंगी, एक वेट और दूसरी ड्राई. वही टेम्परेट रीजन में आओगे तो यहां आपको हमेशा ड्राई ग्रासी मिलेगी. बेसिकली देखो जिन पेड़ पौधों में बड़े बड़े ट्रंक और तने नहीं होते हैं, ब्रांचेस नहीं होती, वो क्या है? वो सभी के सभी ग्रासेस है. जैसे आपकी जितनी भी क्रॉप्स है वो क्या है? मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रासेस. ये बात क्लियर है. जैसे हम ट्रॉपिकल वेट में बात करें, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ किस फसल में पानी लगता है? राइस. क्लियर. चावल. फिर ऐसी कौन सी फसलें जिनमें पानी बहुत कम चाहिए? अपने यहां जब गेहूं की कटाई हो जाती है तो कुछ फसलें बोई जाती है, कौन कौन सी है वो? बाजरा, मेज, ज्वार. ठीक है. और ये बाजरा मिलेट ही तो हो गया. और रागी. इन फसलों क्या होता है? पानी की बहुत कम जरूरत होती है. पानी ना भी मिले, एक बार लगा दिया, हो गया. दूसरी कैसी है? हमारे पास है टेम्परेट ड्राई ग्रासेस. टेम्परेट ड्राई ग्रासेस में कौन सी आती है? एक हमारा आता है वीट. इनको पानी तो चाहिए बट बहुत ज्यादा मात्रा में भी नहीं चाहिए. वीट है. अब देखो इस समय कौन कौन सी, गेहूं जब होता है तो गेहूं के समय और कौन सी फसलें होती हैं? वीट होगा और बार्ली और राई. मस्टर्ड जो होता है वो भी कब होगा? इसी समय तो होता है, विंटर्स में. क्लियर. तो ये सब क्या रीजन है? ये टेम्परेट ड्राई ग्रासेस है. इनमें पानी की कमी होती है. ये बिल्कुल ही कहते हैं ठीक है डालो या ना डालो, सबसे ज्यादा पानी इनको चाहिए. ये बात क्लियर.
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देन यू हैव टू नोट डाउन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपका एशिया और यूरोप में, आप अगर अपनी एटलस में देखेंगे एशिया एंड यूरोप, यू विल गेट स्टेपीज। क्लियर? इन एशिया एंड यूरोप यू विल गेट स्टेपीज। स्टेपीज में भी क्या है, स्टेपीज ऐसे बना हुआ है, स्टेपीज के दो साइड हैं, एक साइड क्या है पानी ज्यादा, एक साइड मॉइस्चर कम है। क्लियर? एक साइड मॉइस्चर ज्यादा है, एक साइड मॉइस्चर कम है। तो जिस साइड मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पे ग्रासेस क्या होंगी, ग्रासेस हाँ, उनको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेंगे, दैट विल बी न्यूट्रिएंट प्रोड्यूसिंग ग्रासेस। मतलब जो आपका गेहूं चना हो रहा है ये क्या है, न्यूट्रिएंट प्रोड्यूसिंग तो है। अगर जहां पे मॉइस्चर कम होगा वहां पे कैसी होंगी, प्लेन ग्रासेस। ठीक है, तो स्टेपीज में भी दो कंडीशंस ऐसी बनती है। देन अगला अगर हम देखें यूरोप, यूरोप की बात करें तो यूरोप में हमको दिखता है पुस्टाज। यूरोप में कौन सा ग्रासलैंड है, पुस्टाज है। देन नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है। देन साउथ अमेरिका पैम्पास। देन इसके बाद अगर हम करेंगे तो साउथ अफ्रीका, इनको पढ़ते हैं वेल्ट, वेल्ट्स के ग्रासलैंड। ओके, और यही साउथ अफ्रीका में क्या है, जो प्लेन ग्रासलैंड, ये क्या है हाई ग्रासलैंड्स हैं वेल्ट तो, और जो प्लेन ग्रासलैंड है वो कहे जाते हैं बुश वेल्ट्स। प्लेन वाले कौन से हैं, बुश वेल्ट्स। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? देन ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले आपको मिलता है डाउंस, डाउंस के बाद कैंटेबरी ग्रासलैंड। क्लियर? ये सभी आपको मैप में देखने बहुत कायदे से। क्लियर? अगर आपको मैप में नहीं दिख रहा है तो आप मैपिंग में नाम कर लेंगे, नेमिंग कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद आप जब एशिया पहुंचोगे, एशिया पहुंचते ही आपको दिख रहा होगा एक सी नाम कैस्पियन सी। कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के चारों तरफ क्या है, कुछ कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये क्या है, ये वहां पे पाई जाने वाली ट्राइब्स हैं, और इन ट्राइब्स के नाम पे भी कंट्री का नेम रखा गया है। ठीक है, और ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये सब कैसी हैं, ये बेसिकली ग्रासेस वाली कंट्री, तो यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती हैं वो कैसी हैं, चरवाहे टाइप की, वो क्या करती हैं, ग्रेजिंग ट्राइब्स हैं, वो ऐसे एनिमल्स पालते हैं जो वो करते हो चारा चरते हो। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये रीजन भी कैसा है, ग्रासलैंड टाइप का रीजन है, कोई नाम नहीं स्पेसिफिक। डन, सो वी हैव डन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड, हम दोनों कर चुके हैं। सो वी विल एंड अप हियर।